मिस्टर चेतन एक 28 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन जिसके गले में एक स्वेलिंग है, बहुत दिन से है। इनिशियली वो स्वेलिंग बहुत ही छोटा एक पी के जैसा था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। अब बढ़ते हुए ये एक मार्बल साइज का हो गया। तो चेतन काफ़ी वरिड है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें एग्जामिन करते हैं, करने के बाद उन्हें एक लिम्फ नोड बायोप्सी का सजेशन देते हैं। तो इससे चेतन घबरा जाते और वो सोचने लगते हैं कि लिम्फ नोड बायोप्सी कैसे किया जाएगा, इस प्रोसीड्योर में कितना पेन हो सकता है, इस प्रोसीड्योर का कुछ कॉम्प्लिकेशंस है कि नहीं, इस प्रोसीड्योर का कुछ रिस्क है कि नहीं, इसका रिजल्ट्स कैसे आ सकता है, ये सब बारे में सोच के चेतन घबरा जाते हैं। तो यही क्वेश्चंस अगर आपके भी मन में है कि लिम्फ नोड बायोप्सी क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने का ज़रूरत है कि नहीं, इसका कुछ रिस्क है कि नहीं, और इसका रिजल्ट्स कैसे आ सकता है, इसी बारे में अगर आपको भी जानना है तो इस व्लॉग को एंड तक देखिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम डॉक्टर जॉयदेव और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है लिम्फ नोड बायोप्सी। लिम्फ नोड बायोप्सी जानने से पहले हमें जानना है कि लिम्फ नोड क्या है। लिम्फ नोड्स आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। दिस लिम्फ नोड्स, ये जो लिम्फ नोड्स है, काफ़ी सारा लिम्फ नोड्स हमारे बॉडी में है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। बहुत कॉमन जो रीजन है जहाँ पे लिम्फ नोड्स स्वेलिंग कॉमनली देखा जाता है वो है नेक रीजन, अंडर आर्म्स, एक्सिला, इंग्विनल रीजन, ये सब में बहुत कॉमनली लिम्फ नोड्स स्वेलिंग देखा जाता है। लेकिन इन्हें छोड़ के भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लिम्फ नोड होते हैं और कभी कभी डिफरेंट रीजन से ये लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग भी डेवलप करता है। ये लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून मैकेनिज्म है, जो हमें डिफरेंट टाइप के हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसी इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड अगर किसी कारण से बड़ा हो जाए, इसका स्वेलिंग हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लिम्फैडेनोपैथी। लिम्फ नोड का अगर साइज बड़ा हो गया या तो फिर उसका कंसिस्टेंसी चेंज हो गया, तो इस एबनॉर्मल कंडीशन को यूजुअली हम लोग लिम्फैडेनोपैथी बोल के जानते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो लिम्फ नोड है वो पैल्पेबल नहीं है। क्या पैल्पेबल मतलब? वो हम लोग हाथ से नॉर्मल लिम्फ नोड को फील नहीं कर सकते। लेकिन अगर लिम्फ नोड का साइज बड़ा हो गया या फिर उसका कंसिस्टेंसी चेंज हो गया, तो उसे हम लोग ऐसे हाथ से पैल्पेट करके फील कर सकते हैं। सो ये लिम्फेडनोपैथी बहुत सारे रीजन से हो सकता है, इसका एक रीज़न नहीं है। वो क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, ये सब इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, जिसमें एक है लिम्फ नोड बायोप्सी। लिम्फ नोड बायोप्सी में क्या किया जाता है? लिम्फ नोड बायोप्सी यूजुअली टू टाइप्स का होता है। एक है कि लिम्फ नोड का स्मॉल पार्ट लिया जाता है और दूसरा है पूरा जो लिम्फ नोड है उसे ही रिमूव किया जाता है। सो लिम्फ नोड बायोप्सी से पता चलता है कि लिम्फ नोड के अंदर प्रॉब्लम क्या है, कुछ पैथोलॉजी है कि नहीं, और जो भी एबनॉर्मलिटी या फिर पैथोलॉजी है उसे डिटेक्ट करने के बाद अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया गया, ये लिम्फ नोड का प्रॉब्लम दूर हो सकता है। अब कॉमन रीजंस क्या है लिम्फ नोड स्वेलिंग होने का? बहुत ही कॉमन जो रीजंस है, रिएक्टिव लिम्फ नोड स्वेलिंग, जो कि
अगर बॉडी के किसी पार्ट में अगर कुछ इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उससे जो सराउंडिंग एरिया में लिम्फ नोड्स है उसका स्वेलिंग हो सकता है। ये एक रीज़न है। कुछ इन्फेक्शन लिम्फ नोड में अगर कुछ इन्फेक्शन पहुंच गया तो उससे लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो सकता है, जिसे सपुरेटिव लिम्फेडेनाइटिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक रीज़न है जिससे भी लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो सकता है, जिसे ट्यूबरकुलर लिम्फेडेनोपैथी बोलते हैं। इसे छोड़ के भी बहुत सारा इन्फेक्शन है जिसमें भी लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो सकता है। कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस है जिससे लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो सकता है। इवन कुछ कैंसर है जिससे भी लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो सकता है। अगर किसी का लिम्फ नोड स्वेलिंग हुआ तो पहले डॉक्टर को जानना है कि उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये लिम्फ नोड स्वेलिंग हुआ, वो डिटेक्ट करने के बाद उसे ट्रीट किया जाता है। तो ये जानने का एक तरीका है लिम्फ नोड बायोप्सी। बायोप्सी में लिम्फ नोड का टिश्यू लिया जाता है। अगर ट्रू कट या फिर कोर बायोप्सी जैसा कुछ बायोप्सी किया गया तो उससे लिम्फ नोड का एक पार्ट लिया जाता है। अगर एक्सीशनल बायोप्सी किया गया तो होल लिम्फ नोड को रिमूव करते हैं और उसे एग्जामिन करते हैं। यहाँ पे एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर होल लिम्फ नोड को रिमूव करके एग्जामिन किया गया तो उसका रिजल्ट बेटर आता है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो कभी कभी ये एक्सीशन बायोप्सी प्रेफर किया जाता है। तो ये जो प्रोसीड्योर है कैसे किया जाता है, ये जो एक्सीशन बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड है वो उसमें क्या किया जाता है, आइदर लोकल एनास्थेशिया दे के कर सकते हैं या फिर जनरल एनास्थेशिया विद सिलेशन ऐसा भी दे सकते हैं। लोकल एनास्थेशिया में क्या कर सकते हैं कि लोकल एक एनास्थेटिक एजेंट जो जहाँ पे स्वेलिंग है उस टिश्यू में, सपोज यहाँ पे कुछ स्वेलिंग है तो इस टिश्यू में क्या वहाँ पे स्किन में कुछ स्किन के अंदर कुछ लोकल एनास्थेटिक एजेंट दिया जाता है इंजेक्शन करके। फिर ये एरिया जब सुन हो गया तो यहाँ पे एक इंसिशन देते हैं, कट करते हैं, उससे बाद जो लिम्फ नोड है अंदर का लिम्फ नोड को रिमूव किया जाता है। ये एक प्रोसेस है जो लोकल एनास्थेशिया देके करते हैं। दूसरा है जनरल एनास्थेशिया से भी कर सकते हैं जिसमें पेशेंट को बेहोश किया जाता है, उसके बाद ये लिम्फ नोड का बायोप्सी लिया जाता है। अगर किसी सुपरफिशियल एरिया में जैसे नेक में अगर हुआ, अंडर आर्म्स में हुआ, इंग्विनल रीजन में हुआ तो ये कॉमनली ऐसे ही किया जाता है। अगर बॉडी के किसी इंटरनल ऑर्गन में जैसे पेट के अंदर हुआ या चेस्ट के अंदर अगर लिम्फ नोड स्वेलिंग रहा तो यूजुअली पेट के अंदर किया जाता है, तो लैपरोस्कोपिक प्रोसीड्योर होता है। जैसे लैपरोस्कोपी में एक पेट में एब्डोमिनल वॉल में एक स्मॉल इंसिशन किया जाता है, उससे एक एंडोस्कोप जैसा एक चीज़ अंदर दिया जाता है और वहाँ पे जो स्वेलिंग है लिम्फ नोड का उसे आइडेंटिफाई करने के बाद उसे एक्साइज करके वहाँ से निकाला जाता है और ये लिम्फ नोड को हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो जो लिम्फ नोड का टिश्यू, लिम्फ नोड जो है उसे टिश्यू प्रोसेसिंग की मदद से उसे उससे सेक्शन लिया जाता है, बहुत थिन थिन सेक्शन लिया जाता है और जो सेक्शन से उसे स्टेन किया जाता है डिफरेंट स्टेन से, और उसके बाद अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया जाता है कि लिम्फ नोड में कौन कौन सा एबनॉर्मलिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो प्रोसीड्योर है इसमें कुछ प्रिपरेशन है। यूजुअली जो डॉक्टर आपका ये बायोप्सी लेने वाले आपको पहले से बताना है आप कौन कौन सा मेडिकेशन से लेते हैं। अगर आप ब्लड थीनर जैसा कुछ मेडिकेशंस जैसे वारफरीन हेपरिन ऐसा कुछ क्लोपिडोग्रेल एस्पिरिन ऐसा कुछ मेडिकेशंस लेते हैं दूसरे किसी रीज़न से तो आपको डॉक्टर को बताना है, डॉक्टर आपको बोल देंगे ये मेडिसिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, अगर स्टॉप करना है तो प्रोसीड्योर के कितने पहले आपको स्टॉप करना है। नेक्स्ट है आपका कुछ ये सब छोड़ के भी दूसरा कुछ मेडिकेशन सब लेते हैं कि नहीं, उसे भी आपको डॉक्टर को बताना है। फिर डॉक्टर आपको ये प्रोसीड्योर से पहले आप अगर आपको फास्टिंग में रहना है तो कितना टाइम तक आपको रहना है, ये प्रोसीड्योर से पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर आपको करना है जैसे कि ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम या फिर कोएगुलेशन प्रोफाइल ऐसा कुछ अगर डॉक्टर करना चाहे तो आपको एडवाइस कर सकते हैं, तो प्रोसीड्योर से पहले वो आपको कर लेना है। अगर सब कुछ रिजल्ट्स ठीक रहा तो फिर प्रोसीड्योर के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये जो प्रिपरेशन हुआ, अब जानते हैं कि इस प्रोसीड्योर का कुछ रिस्क है कि नहीं। ये प्रोसीड्योर यूजुअली बहुत ही सेफ प्रोसीड्योर है, लेकिन कोई भी प्रोसीड्योर एकदम एडवर्स इफेक्ट या फिर
रिस्क फ्री नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन का चांस, पेन होने का चांस, ये सब थोड़ा हेमरेज या ब्लीडिंग होने का चांस ये तो रहता है, लेकिन बहुत ही कम केसेस में यूजुअली होता है। अगर प्रॉपरली पहले से ही सब कुछ असेस किया गया तो उससे ये सब होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो अब जानते हैं इसका रिजल्ट्स कैसे आता है। इसका रिजल्ट्स यूजुअली आने में 5 से 7 दिन लग जाता है। क्या क्या रिजल्ट्स आ सकता है, कुछ इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, रिएक्टिव नोड्स हो सकता है, लिम्फ नोड में कुछ इन्फेक्शन अगर घुस गया उसके अंदर पास फॉर्म किया तो उससे सप्यूरेटिव लिम्फेडेनाइटिस, ये एक रिजल्ट हो सकता है। टीबी में भी हो सकता है। दूसरा, बहुत सारा इन्फेक्शन में लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो सकता है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ है जहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ऐसा कंडीशन में भी लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो सकता है। और कुछ कैंसर है, जैसे लिम्फ नोड का कैंसर है, जैसे लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, यह हो सकता है। कुछ ब्लड कैंसर से जिसमें भी लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो सकता है। तो लिम्फ नोड का स्वेलिंग होने का मतलब ही कुछ कैंसर है ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत ही कम केसेस में कैंसर मिलते हैं, मैक्सिमम केसेस में ही कुछ इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या फिर रिएक्टिव कॉजेस मिलता है। तो ये जो टेस्ट है, जो प्रोसीड्योर है, बहुत ही सेफ प्रोसीड्योर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीड्योर है डायग्नोसिस के लिए। क्योंकि अगर लिम्फ नोड स्वेलिंग का एग्जैक्ट रीज़न हम अगर निकाल नहीं पाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसीड्योर है। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा ही वीडियो इन फ्यूचर देखने के लिए। अगर आपका कुछ सजेशन है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपका लिम्फ नोड बायोप्सी हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस भी आप हमारे साथ इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट। और मेरा जो फेसबुक पेज है उसका लिंक भी नीचे दिया रहेगा, फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।